आज की रेसिपी है ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये ठंड के मौसम में सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। प्रियंकास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसके लिए मैंने सामग्री ली है 1 किलो सूखा खोबरा, 1 किलो सूखी खारक, इसका मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है, 1.5 किलो गुड़ है, आधा किलो काजू, इसको भी मैंने दरदरा पाउडर में पीस लिया है, आधा किलो बादाम, इसको भी मैंने दरदरा पाउडर में पीस लिया है, एक पाव सिंगाड़े का आटा, इसको भी मैंने पाउडर बना लिया है, 1 किलो घी लिया है, आधा किलो गोडम्बी, ये भीला हुआ रहता है अपना, उसमें बीज निकलते हैं, उसको गोडम्बी कहा जाता है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें घी डाल के मैं सारी सामग्री थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको भून लूंगी। अभी अपनी खारक और खोबरा अच्छी तरह से भुना चुका है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी घी में अपना खारक और खोबरा भुना हो चुका है, इसमें डालती जाऊंगी मैं थोड़ा थोड़ा गुड़, ताकि उसको पानी छूट जाए गर्म चीज में। अभी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, अब मैं उसमें तल लूंगी अपना गोंद। अभी गोंद अपना तलना हो चुका है, अच्छी तरह से फूल चुका है, अब इसे निकाल लेती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, इसमें डाल दूंगी मैं बादाम का पाउडर, इसे भी अपन अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी अपना बादाम का पाउडर भी अच्छी तरह से भुनना हो चुका है, ज्यादा भुनना नहीं है, 2-3 मिनट के लिए निकाल लेते हैं इसको। थोड़ा सा घी लेके और इसमें मैं काजू का भी पाउडर भून लूंगी। अभी अभी अपना काजू का भी पाउडर भुनना हो चुका है, इसको भी 2-3 मिनट के लिए भुना है मैंने, इसे भी निकाल लेते हैं। अभी ये गोडम्बी का पाउडर भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। ये गोडम्बी का पाउडर भी अपना भुनना हो चुका है, अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, इसको भी मैंने 2-3 मिनट के लिए ही भुना है। अभी मैं ये सिंगाड़े का आटा भी घी में अच्छी तरह से भून लूंगी। अभी सिंगाड़े का आटा भी अपना भुनना हो चुका है, और ये सिंगाड़े का आटा अच्छी तरह से भुनना घी में, तो मैंने करीबन 5-6 मिनट के लिए इसको भून लिया है। अभी अपनी सारी चीजें घी में भुननी हो चुकी है, आधा गुड़ मैंने पहले भी डाला था, मैं सारा गुड़ इसमें डाल दूंगी। अभी ये अपन सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, आप देख सकते हो मैं इसका लड्डू बना रही हूँ। बड़ी आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इस लड्डू को। अभी अपने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।